हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो रिएजेंट रहेगा वो SiO2 रहेगा, राइट। तो SiO2 यानी कि सेलेनियम डाइऑक्साइड। उससे स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेक्चर चल रहा है वो जेनेसिस ट्यूटोरियल नाम से यूट्यूब में आपका चैनल है, आप उससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो। और इसी के साथ आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड स्टार्ट करते। देखो कि यार, सेलेनियम डाइऑक्साइड एनहाइड्रस कंडीशन में अभी, तो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, राइट। अगर ये SiO2 के साथ रिएक्शन इसकी करते हैं, SiO2 और H2O की रिएक्शन अगर करते हैं, तो ये बनता है आपका H2SiO3, ठीक है। सेलेनियम का एसिड बनेगा, या सेलिनस एसिड भी कहते हैं इसको, राइट। तो ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फर्स्ट कि यार, सेलेनियम डाइऑक्साइड के लिए कंडीशन है कि एलाइलिक पोजिशंस होनी चाहिए। जैसे आपका ये है, ठीक है, ये आपका CH2 है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक पोजिशन। एलाइलिक पोजिशन यानी कि सेलेनियम डाइऑक्साइड वहीं पर ऑक्सीडेशन करेगा जब आपका डबल बॉन्ड के नेक्स्ट आपका कार्बन मिलेगा, यानी कि एलाइलिक पोजीशन पे सेलेनियम डाइऑक्साइड को सेलेक्ट करते हैं जब हमें ऑक्सीडेशन करना होता है। यानी कि ये वाली आपका एलाइलिक पोजीशन है, अगर हमें इसमें ऑक्सीडेशन करना होगा, यानी कि इसमें OH बनाना होगा, तो हम SiO2 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कब उसका रेट फास्ट होगा, कब स्लो होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। तो जनरली जो आपका CH2 है, ऑक्सीडेशन का रेट क्या है, ऑक्सीडेशन रेट, ऑक्सीडेशन का या ऑर्डर कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑर्डर होता है आपका इन जनरल CH2, CH3 एंड आपका CH। मतलब CH2 का ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होगा, देन आपका CH3, देन आपका CH। आई बस समझ, मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में अगर CH2 है तो उसका ऑक्सीडेशन फास्टर होगा कंपेरेटिवली आपका CH3 से। मतलब कंपाउंड में अगर आपका ऐसा है, मान लो कोई कंपाउंड आपका ऐसा है, ये है और यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है। अब देखो, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाली पोजीशन तो ये भी है ना, एलाइलिक है, और ये वाली भी आपका एलाइलिक पोजीशन है, लेकिन SiO2 किसको सिलेक्शन करेगा, SiO2 CH2 का ऑक्सीडेशन फास्टर करता है CH3 से। तो ये इसका एक पहला एप्लीकेशन है कि यार, SiO2 एलाइलिक पोजिशन पर ऑक्सीडेशन करता है, बट ऑक्सीडेशन रेट, ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होगा आपका CH2, CH3 एंड आपका CH। मतलब किसी कंपाउंड में, इफ एनी कंपाउंड हैविंग CH2, CH3 एंड CH, देन दैट कंडीशन SiO2 सेलेक्ट CH2, ठीक है। तो एलाइलिक पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन वो CH2 को सेलेक्ट करेगा। ये इसका पहला एप्लीकेशन आपको याद रखना है। यानी कि मैंने आपको क्या बोला, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि भैया, SiO2 क्या है, SiO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हमें एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन करना होता है तो हम SiO2 को लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे एलाइलिक पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी लाना है, OH एल्कोहल इंट्रोड्यूस कराना है, तो SiO2 से हम उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैकेनिज्म होती है, पहले उसमें इन रिएक्शन चलती है, फिर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन चलती है। सिग्माट्रोपिक में भी आपका 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन चलती है। वो एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई, SiO2 का जब एल्किन के साथ एलाइलिक पोजिशन पर ऑक्सीडेशन होता है तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कहने का मतलब, आपको मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, राइट। तो आपको मैं याद करा रहा हूँ, देखो पहली मैकेनिज्म आपका इन रिएक्शन होता है, और देन आपका सिग्माट्रोपिक, और सिग्माट्रोपिक में भी आपका 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन चलती है, तब जाकर आपका एलाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 2, पहला एप्लीकेशन तो मैंने बताया कि यार, कि जो आपका SiO2 है वो ऑक्सीडाइज करता है कहाँ पर, एलाइलिक या आपका बेंजाइलिक पोजिशन पर, ठीक है। दूसरा आपका SiO2 जनरेट कार्बोनिल, SiO2 कैन जनरेट कार्बोनिल ग्रुप एट द एडजेसेंट ऑफ कार्बोनिल। अगर आपका SiO2 कार्बोनिल भी जनरेट करता है, कब, जब आपका एडजेसेंट में आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। SiO2 जनरेट कार्बोनिल एट द अल्फा पोजीशन ऑफ
ऑफ कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर SiO2 आपका कार्बोनिल बना देता है। कैसे, देखो मान लो आपका ऐसा है, ये C डबल बॉन्ड O है, अगर आपने SiO2 के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर जो CH2 है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S, ठीक है, तो SiO2 कार्बोनिल के एडजेसेंट में आपका कार्बोनिल बना देता है, ये पोजीशन होती है आपका अल्फा। तो ये इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ओके, मैं आपको पहले सारी एप्लीकेशन ऐसे याद करा रहा हूँ, देन मैकेनिज्म बनाएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, राइट। SiO2 आपका थर्ड एप्लीकेशन, अगर नाइट्रोजन के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर मिथाइल होता है, लाइक आपका सपोज दैट आपका ये है, ये पिरिडीन है और यहाँ पर आपका सी एस थ्री है और आपने SiO2 डाल दिया, तो ये जो SiO2 है ये सी एस थ्री को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, कार्बोनिल में, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो SiO2 नाइट्रोजन के एडजेसेंट पोजीशन में जो आपका सी एस थ्री है इसका भी आपका कार्बोनिल बना देता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म करते हैं अब कि यार जब आपका मान लो ये आपका एलाइलिक पोजीशन है और प्लस आपका यहां पर SiO2 ले लेंगे, SiO2 Si डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सबसे पहले आपका इन रिएक्शन होती है, ये आपका मैकेनिज्म, देखो ये आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है और ये SiO2 है, तो होता क्या है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट क्योंकि इन रिएक्शन के थ्रू, ये आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका इधर, तो ये बन जाएगा आपका क्या, एस ई डबल बॉन्ड ओ और आपका ये मिथाइल और ये ऐसा, ठीक है, और यहां पर बन गया आपका ओ एच, राइट, इसको बोलते हैं आपका इन रिएक्शन। तो पहला स्टेप है आपका इन रिएक्शन, पहला स्टेप क्या है आपका, जब SiO2 एल्कीन के साथ एलाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन करता है तो सबसे पहले स्टेप में आपका इन रिएक्शन चलती है, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद होता है आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, इसके बाद होता है आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है, देखो 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक में क्यों कह रहा हूं, देखो नंबरिंग हम एलाइलिक पोजीशन से करते हैं, 1-2-3, ये आपका 1-2-3 है और आपका एक दो तीन और ये आपका 1 और 2 है, ठीक है, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, राइट। चलो इसको डबल बॉन्ड O को नीचे लिख दे रहे हैं और सिंगल बॉन्ड OH को आपका ऊपर लिख दे रहा हूं, तो ये आपका 1-2, देखो 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट क्या है, 1-2-3 और ये आपका 1 एंड 2, ठीक है। तो होता क्या है, 1-1 का बॉन्ड टूटता है और 2-3 वाला बॉन्ड जुड़ता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसा, ये डबल बॉन्ड, देखो 2-3 वाला बॉन्ड जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से जुड़ा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये ऑक्सीजन से जुड़ा और यहाँ पर आपका सेलेनियम और आपका OH ऐसा बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा आपका, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ से आपका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है किसकी, SiO2 के एट एलाइलिक पोजीशन पर, कैसे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, मैकेनिज्म क्या थी, सबसे पहले इन रिएक्शन, फिर आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट, देन आपका हाइड्रोलिसिस गिव्स एलाइलिक एल्कोहल, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको बस वन टाइम मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए कि यार अगर एग्जाम में पूछता है, CSIR नेट में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि यार अगर हम एलाइलिक पोजीशन पर SiO2 से हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो मैकेनिज्म होती है आपका एक 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक और दूसरा आपका इन, यानी कि पहली रिएक्शन आपका इन रिएक्शन होती है और दूसरी आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है, देन आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है। अब आपका नेक्स्ट, अगर सपोज दैट आपको थोड़ा सा पॉइंट से याद रखना है, अगर आपका
ऐसा है, देखो आपको चीजें रटनी नहीं, आपको चीजों को एग्जाम्पल से याद रखना है। सपोज दैट आपका यहां पर ऐसा है, कुछ इस टाइप का है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका ऐसा डबल बॉन्ड है और आपको दे रखा है SeO2। यहां पर क्या दे रखा है आपका? SeO2। यार देखो हमें पता है कि SeO2 ऑक्सीडेशन करता है किसका, यहां पर तो आपका CH है और यहां पर आपका CH2 है। वैसे भी मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था, ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होता है आपका CH2, CH3 एंड आपका CH। मतलब सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन होता है आपका CH2 का, देन आपका CH3 का, देन आपका CH का। इन दिस केस अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये CH2 है और ये CH है। देखो ये वाला जो CH है ये ब्रिज हेड पोजिशन में होता है, तो आप याद रखना कभी भी अगर यहां पर CH भी होता ना तो इस वाले CH का ज्यादा फास्ट होता कंपैरेटिवली दिस, क्योंकि ब्रिज हेड पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये ब्रिज हेड वाला कार्बन है तो यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर आपका OH। अब OH भी देखो यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो OH आपका एंडो आ सकता है और दूसरा आपका एक्सो। ठीक है, तो जनरली जो एक्सो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर ये एंडो कैविटी की तरफ लग रहा है, तो एंडो क्या होगा, एंडो तो आपका माइनर होना चाहिए, इसका क्या बना दो आप, एक्सो बना, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक्सो वाला होगा। तो यहां पर OH इधर को और ये डबल बॉन्ड ऐसा, तो ये आपका एक्सो प्रोडक्ट और ये होता है आपका मेजर, राइट। तो आपको ये नेक्स्ट एप्लीकेशन याद रखना है कि यार अगर ब्रिज हेड पोजीशन होती है और एक नॉर्मल पोजीशन होती है, तो ब्रिज हेड पोजीशन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, और नॉर्मल पोजीशन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर ऐसा होता है, मान लो ये pH है और ये आपका CH2 है और ये आपका CH2 है और ये आपका pH है। कई बार क्या होता है कि यार इस साइड pH है और इस साइड pH है और CH2 है, तो SeO2 अगर देते हैं तो ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी देता है कई बार। तो जैसे आपका ये है pH CH2 pH, तो इस केस में आपका डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन देता है। आपको याद रखना है एग्जाम्पल देखते हुए, ऐसे रटना नहीं है स्टेटमेंट में, आपको एग्जाम्पल से याद रखना है कि यार अगर ऐसा कंपाउंड है तो यहां पर जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका pH CH डबल बॉन्ड CH PH, स्टाइरीन बन गया, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। ठीक है, स्टाइरीन नहीं, ये है आपका स्टिलवीन, इसको बोलते हैं स्टिलवीन। आपने सिस स्टिलवीन और ट्रांस स्टिलवीन पढ़ा होगा फोटोकेमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जब मैं पेरीसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा, ये आपका स्टिलवीन है, राइट। अभी यहाँ पर हम सिस ट्रांस हम स्टीरियो नहीं पढ़ रहे, ना ही फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे, हमें जस्ट आपका SeO2 की मैकेनिज्म देखनी थी, कि SeO2 का फंक्शन देखना था कि यार वो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपका स्टिलवीन मिलता है, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, राइट। अगर मान लो अगर ऐसा है CH3C डबल बॉन्ड O, कुछ इस टाइप का है OC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, अगर आपने यहां पर आपने SeO2 डाल दिया, तो एनहाइड्राइड टाइप का सिस्टम है, तो ये वाला जो CH दो कार्बोनिल के बीच में जो CH2 है एक्टिव मिथाइलिन, इसका भी क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O हो जाता है। इस केस में आपको ध्यान देना है, देखो अगर कभी भी CO के एडजेसेंट पोजीशन में कार्बोनिल बनाने, मतलब SeO2 डालेंगे तो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि हाइड्रोक्सी में, राइट। तो ये आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है आपका ऐसे कार्बन, राइट। तो देखो इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो SeO2 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मान लो जो पहला वाला एप्लीकेशन था, वैसे अगर मैं उसके थोड़ा सा ज्यादा कंडीशन ले लेता हूं, अगर ऐसा है ये आपका डबल बॉन्ड
और यहां पर आपका ये सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री है और आपका ये आपका सी एच थ्री है। इसको जस्ट आपका ऐसे कर लेते हैं, ये सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री है और यहां पर आपने ऐसी ओ टू डाल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इस कंसेप्ट से। ठीक है, आपका डबल बॉन्ड के दोनों साइड आपका ये एल्काइल ग्रुप है और ये आपका सी एस थ्री है। ठीक है, तो क्या होगा एसई ओ टू के पास, देखो हर जगह आपका ये भी एलाइलिक पोजिशन सी एस थ्री है, ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री। अब इस केस में किसका ऑक्सीडेशन होगा, देखो क्योंकि सारे एलाइलिक पोजिशन पर आपका सी एस थ्री है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका कि यार होना तो ऑक्सीडेशन सी एस थ्री का ही है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइट एल्काइल का एलाइलिक पोजिशन का ऑक्सीडेशन होता है। देखो ये वाला एंड आपका मोर सब्सटीट्यूटेड है, आपको याद रखना है दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड, ये आपका मोर सब्सटीट्यूटेड है, तो इसका फास्टर ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन आपका फास्टर होगा। आई बात समझ, ये मोर सब्सटीट्यूटेड है और ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, लेस सब्सटीट्यूटेड है राइट। तो SiO2 जो मोर सब्सटीट्यूटेड एंड है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा फास्ट करता है, तो यानी कि यहां पर जो एंड है ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, तो यानी कि या इस CH3 का ऑक्सीडेशन होगा या इसका होगा। अब यहां पर भी आपको सेलेक्ट करना है, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर आप इस CH3 का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2OH और आपका ये CH3, और दूसरा अगर इस सी एस थ्री का ऑक्सीडेशन होता है तो ये मिलेगा आपका सी एस थ्री सी एस थ्री और यहां पर आपका सी एस टू ओ एच। अब आपको लग रहा होगा यार दोनों तो एक ही जैसे हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो अभी अगर यहां पर मैं सिस ट्रांस देखता हूं, अगर मैं यहां पर सिस ट्रांस या ई जेड जो भी बोलते हो आप, अगर सिस ट्रांस बोले तो क्या ये सिस ट्रांस एल्कीन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यार एल्कीन पे यहां पर एक सी एस थ्री है और ये आपका एच है और यहां पर दोनों ग्रुप सेम है, तो यार जब किसी एक एंड से दोनों ग्रुप सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जनरेट नहीं करेगा, तो यहां पर तो हम सिस ट्रांस नहीं कहेंगे। बट इसके बाद मैंने आपको बोला कि यार हमने मोर सब्सटीट्यूटेड एंड को फॉर ऑक्सीडेशन सेलेक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2, तो हमने इस एंड को सिलेक्ट किया, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका इस वाले सी एस थ्री का हुआ या इसका। अब यहां पर भी मैंने बोला कि एक मेजर होगा दूसरा आपका माइनर होगा। देखो अगर इस सी एस थ्री का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, कैसी एल्कीन है, ये आपका जेड वन टू और ये वन ये टू, हायर प्रायोरिटी का आपका कार्बन होता है, लोअर प्रायोरिटी का हाइड्रोजन, ये हायर प्रायोरिटी ये लोअर प्रायोरिटी, तो ये आपका जेड और ये वाला क्या है वन टू वन टू। देखो वन वन सेम प्रायोरिटी के जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये क्या होगा आपका ई। तो ऑलवेज आपको याद रखना जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि यार ऑक्सीडेशन करने के बाद ई और जेड नॉमनक्लेचर मिल रहा होगा, तो आपको दोनों कंपाउंड बनाने हैं और दोनों कंपाउंड बनाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड ई बन रहा है वही आपका मेजर होगा, यानी कि ये वाला कंपाउंड आपका मेजर होता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा, ये सी एस आई आर नेट में पूछा भी गया इससे रिलेटेड। ठीक है, आपको दो चार ऑप्शन में आपका एक जेड आइसोमर मिलेगा दूसरा ई मिलेगा, आपको लिखा नहीं होगा लेकिन इस तरीके से एंड आपका डिफर करेंगे। तो याद रखना कि यार अगर SiO2 के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर सेम एंड होते हैं लेकिन आफ्टर ऑक्सीडेशन जब वो ई या जेड नॉमनक्लेचर देता है या सिस और ट्रांस अगर आइसोमर जनरेट हो रहे हैं तो हम हमेशा ई वाले प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ई वाला आपका मेजर बनता है राइट। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है SiO2 का, वन टाइम सी एस आई आर नेट में पूछ दिया है ऑलरेडी राइट। अब आपका अगर SiO2 सपोज दैट आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया कि यार अगर कार्बोनिल होता है, ऐसे अगर कार्बोनिल होता है तो SiO2 की प्रेजेंस में, कार्बोनिल की प्रेजेंस में अगर इफ एनी कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप देन SiO2 ऑक्सीडाइज अल्फा पोजीशन टू कार्बोनिल। ठीक है, यानी कि जो SiO2 आपका अल्फा, ये अल्फा पोजीशन होती है, इस कार्बोनिल को भी वो इस अल्फा पोजीशन को भी वो कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां पर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल पहले करा चुका था। एक और इंपॉर्टेंट
एप्लीकेशन है इसका कि यार अगर अगर SeO2 एक इंटरनल डबल बॉन्ड मिलता है SeO2 को, ठीक है, एक आपका ऐसा मिलता है, एक इंटरनल डबल बॉन्ड हो गया और दूसरा आपका एक्सटर्नल हो गया, ये आपका इंटरनल है। देखिए सपोज दैट आपका ऐसा है, CH3H ये है, ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कुछ इंटरनल टाइप का लग रहा है। चलो इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अगर आपका ये है, ये CH3 है और ये इस तरीके से है कुछ, ठीक है। अब जो आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये इंटरनल है और ये आपका टर्मिनल है, तो SeO2 जनरली टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करता है, टर्मिनल वाले एलाइलिक पोजिशन को सेलेक्ट करता है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा ना वो इस वाले डबल बॉन्ड की साइड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत बड़ा कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, आपको फिर बहुत सारी एलाइलिक पोजिशन भी वहां पर एग्जाम में मिलेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अब इस केस में SeO2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी अगर ऐसे मोर देन वन आपका चॉइस मिलेगी आपको, तो याद रखने हैं पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला कि यार मैंने बोला कि अगर दो डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, एक तो इंटरनल डबल बॉन्ड और दूसरा आपका टर्मिनल, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड की साइड SeO2 से ऑक्सीडाइज कराओगे, यानी कि या ये वाला CH3 ऑक्सीडाइज होगा या ये वाला। देखो मैंने आपको बोला जब भी टर्मिनल सेम होते हैं CH3 CH3, तो यार आफ्टर ऑक्सीडेशन ये दो चीज़ें देगा। देखो अभी ये एल्कीन ना ही सीस है और ना ही जेड है, ठीक है, ना ही ई है और ना ही आपका जेड है, लेकिन आफ्टर ऑक्सीडेशन यार यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा आपका, देखो डबल बॉन्ड अगर इस वाले का होगा तो ये CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका CH3, और ऊपर वाली चीज सारी की सारी ऐसी रही, ये आपका CH3 है और ये ऐसे। अभी ये क्या मिला, ये मिला जब इस CH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका वन पोजिशन, ये वन और ये वन, ये टू और ये वन, तो ये टू, तो टू टू यानी कि वन वन एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है ये ई मिल रहा है। अगर इसी का दूसरा, अगर मान लो इस CH3 का ऑक्सीडेशन होता है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपका CH2OH एंड आपका CH3, और ये ऊपर वाली चीज एज इट इज रहेगी क्योंकि रिएक्शन सेंटर तो वहीं पर था ना हमारा, तो ये आपका CH3 एंड आपका ये। अब इस केस में भी आप मेजर और माइनर होगा कि भैया ये आपका ई बना तो ये आपका जेड बनेगा, तो इस केस में भी जो सबसे पहले तो आपको देखो टर्मिनल सेलेक्ट किया, पहली चीज टर्मिनल सेलेक्ट करने के बाद भी वो वाला CH3 सेलेक्ट करोगे जिसके ऑक्सीडेशन से आपको ई मिलेगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर मिलेगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जनरल ये नहीं पूछेगा कि यार SeO2 है क्या, ठीक है, या फिर SeO2 का रोल क्या है, एप्लीकेशन ऐसे स्टेटमेंट में नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे और वहां पर आपको सारे पॉइंट्स आपको अप्लाई करने होंगे, राइट। अब देखो एक और एप्लीकेशन है जो इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और यहां पर आपका ये CH3 है, ठीक है, मान लो चलो ये CH3 का, इसको चलो CH2 बना देते हैं क्योंकि हमने ऑर्डर लिखाया था ऑक्सीडेशन ऑर्डर ऑफ SeO2, CH2 का सबसे फास्ट, CH3 का, देन आपका CH का, बहुत हार्ड एंड फास्ट ऑर्डर नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम जगह अप्लाई हो जाता है, राइट। मान लो ऐसा आपका रिएक्टेंट है, ऐसा एग्जांपल आपको दे रखा है और यहां पर आपको SeO2 दे रखा है, ठीक है, तो यार SeO2 मैंने बोला कि एलाइलिक पोजिशन पर ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि देखो एलाइलिक पोजिशन यहां पर कितनी है, डबल बॉन्ड के ये वाली पोजिशन भी एलाइलिक है और ये वाली भी आपका एलाइलिक है और ये भी आपका एलाइलिक है, तो यार एलाइलिक तो सारे तीन आपके एलाइलिक है, लेकिन ये वाली और ये वाली पोजिशन तो एक जैसी है, तो आप इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, इसमें तो कॉम्पिटिशन है नहीं, लेकिन यहां पर आपका
डिफरेंस है, यानी कि ये वाला रिंग का एलाइलिक है, ये रिंग का सी एच टू है। तो देखो अब ये ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि अब अगर दोनों सी एच टू मिल गए आपको, दोनों एलाइलिक पोजिशन में आपका सी एच टू मिल गए और दोनों एलाइलिक डिफरेंट नेचर के हैं, तो इस केस में आपको याद कराऊंगा मैं कि यार हमेशा याद रखना कि जो रिंग को प्रेफरेंस जाती है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिंग वाले सी एच टू का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है आपका, ऑक्सीडेशन अकर एट रिंग कार्बन, ठीक है, रिंग वाले कार्बन में आपका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ये वाला सी एच टू ऑक्सीडाइज होगा या ये वाला सी एच टू ऑक्सीडाइज होगा, ये आपका मेजर होगा, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका सी एच टू सी एच थ्री, ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, या यहाँ पर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, इतना कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो SiO2 में मैंने क्या क्या चीजें बताई, एक बार आपका रिकैप करते हैं, रिमाइंड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यार SiO2 एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड एनहाइड्रस कंडीशन में रहता है, ठीक है। SiO2 जब खाली SiO2 लिखा होगा तो SiO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, तो एनहाइड्राइड फॉर्म है ये सेलेनियम की, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, राइट। अपीयरेंस अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टाइप का होता है, राइट। और जब इसका मेन एप्लीकेशन ये है कि एलाइलिक पोजिशन पर ऑक्सीडेशन देता है, ठीक है। एलाइलिक पोजिशन जैसे आपका ये डबल बॉन्ड, ऐसे ये वाली पोजिशन आपका एलाइलिक है, ये एलाइलिक पोजिशन जो भी होगी सी एच टू सी एच थ्री या आपका सी एच, इसका ऑक्सीडेशन करेगा और हाइड्रोक्सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि यार हाइड्रोक्सी ही मिलेगा, हमने आपके क्वेश्चंस पढ़े थे कि यार एल्कीन भी हमें मिल रहा था और कार्बोनिल भी हमें मिल रहा था, ठीक है। अगर कार्बोनिल है तो उसके एडजेसेंट में आपका कार्बोनिल ही आएगा, अगर एल्कीन है तो तब यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। तो SiO2 मैंने आपको बोला कि यार ये डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट भी होता है, SiO2 आपका डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब डीहाइड्रोजिनेशन करके हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था PHCH2, CH2PH, इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है आपका PHCH डबल बॉन्ड CH आपका PH में, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर डाइकार्बोनिल, अगर कार्बोनिल है तो इसके एडजेसेंट, अगर SiO2 डालेंगे तो इसके एडजेसेंट में भी आपका कार्बोनिल आ जाएगा, ये इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन था। मैंने आपको ये भी बोला कि यार अगर जब भी एलाइलिक पोजिशंस मोर देन वन होंगी, एक आपका एलाइलिक पोजिशन आपका ये है और दूसरी आपका एलाइलिक पोजिशन आपका ये है, जब भी मोर देन वन आपकी एलाइलिक पोजिशंस होती हैं तो हम मोर सब्सटीट्यूटेड वाली एलाइलिक पोजिशन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेस सब्सटीट्यूटेड वाली एलाइलिक पोजिशन को सेलेक्ट नहीं करते हैं। और उस केस में भी मैंने आपको बोला कि उसका ऑक्सीडेशन फास्टर होगा जिसका ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पर एल्कीन, अगर ई या जेड एल्कीन जनरेट हो रही तो ई एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। तो ये इसके एप्लीकेशंस थे, थैंक यू।